हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील चौहान लॉजिकल माइंड से। आज हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी जिसे हम रैम के नाम से भी जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरीज दो तरह की होती हैं, फिजिकली एंड वर्चुअली। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम वर्चुअली मेमोरी कैसे मैनेज करें। ये देखिए, हमारे सिस्टम है, ये 3 GB रैम है हमारे पास, जिसे हम फिजिकली रैम बोलते हैं। विंडोज इसी के हिसाब से अपनी वर्चुअल मेमोरी मैनेज करती है, जिसके अंदर हम कोई भी अपना कैशे वर्क करते हैं, वो जब तक हम सेव नहीं करते वो वर्चुअल मेमोरी में सेव होता है। ये देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल मेमोरी को हम कैसे इंक्रीज करें अपनी फिजिकल रैम्स के साथ। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, मेरे माई कंप्यूटर की सेटिंग है। इसमें लेफ्ट साइड पे ये देखिए, इसमें कुछ टैब्स हैं, डिवाइस मैनेजर, रिमोट सेटिंग्स, सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिस्टम एडवांस सेटिंग। हम सिस्टम एडवांस सेटिंग में क्लिक करेंगे। इसमें एडवांस टैब में फर्स्ट सेटिंग्स में आप देखेंगे कि लिखा है वर्चुअल सेटिंग्स, प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेस एंड वर्चुअल सेटिंग। हम सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ हमें 3 टैब हैं, विजुअल इफेक्ट्स, एडवांस, डाटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन। हम इसमें बीच वाला टैब पे क्लिक करेंगे, एडवांस। यहाँ देखेंगे कि आप यहाँ लिखा है वर्चुअल मेमोरी, टोटल पेज फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स। ये देखिए, जितनी मेरी रैम है उसके हिसाब से सिस्टम ने उसको मैनेज किया हुआ है, 3 GB ही। हम इसे चेंज करेंगे, सिस्टम ने ये ऑटोमेटिक मैनेज की हुई है। हम यहाँ पर इसे अनचेक करेंगे। यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी जिस ड्राइव में मैनेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम मैनेज। देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो वर्चुअल मेमोरी हमें मैनेज करनी है वो उस ड्राइव में मैनेज करें जिसमें सबसे ज्यादा स्पेस है। जैसे मैं एफ ड्राइव पे क्लिक करता हूँ, एफ ड्राइव में 126 GB स्पेस है। इसमें हम इसमें इसे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। इसमें दो साइज है, एक इनिशियल साइज एंड देन नेक्स्ट है मैक्सिमम साइज। हम इनिशियल साइज में वो स्पेस डालेंगे जो हमारी रैम का है, एक्चुअली 3 GB, 3072, एंड देन मैक्सिमम साइज इज इसका डबल, 6144, एंड देन प्रेस सेट। जैसे ही हम इसे सेट करेंगे, ये देखिए हमारी वर्चुअल रैम जो है एफ ड्राइव में सेट हो गई है। अब इसके बाद हम इसको नीचे से ओके करेंगे। ये देखिए, मैसेज आया है, द चेंज यू हैव मेड रिक्वायर टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर दे यू कैन इफेक्ट्स। हम ओके करेंगे एंड देन प्रेस ओके अगेन। अब यहाँ पे दोबारा ओके है, हम इसे दोबारा ओके करेंगे। यहाँ पे विंडोज ने हमें एक मैसेज दिया है कि यू मस्ट रिस्टार्ट कंप्यूटर टू अप्लाई देन चेंजेस। अगर हमें चेंजेस चाहिए तो हमें कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है, एंड देन प्रेस रिस्टार्ट। ये देखिए, मैंने इसे रिस्टार्ट कर दिया है। आप देखिए, ये देखिए विंडोज मेरी ये दोबारा खुल गई है। अब यहां पे हम देखेंगे कि हमारी विंडोज की जो सिस्टम की मेमोरी है वो अभी भी 3 GB है, जैसे फिजिकल रैम मैंने आपको बताया था। अब हम देखेंगे कि हमारी वर्चुअल रैम कितनी है। ये देखिए, एडवांस सेटिंग्स एंड देन प्रेस सेटिंग अगेन एंड देन गोज टू एडवांस टैब। यहाँ पे देखिए, अब हमारी पेज फाइल साइजिंग जो है, जिसे वर्चुअल मेमोरी हम बोलते हैं, वो 6 GB हो गई है। अब हमारा विंडोज जो है वो पहले के मुकाबले और ज्यादा फास्ट काम करेगा। अब आप चाहे अपनी फिजिकल रैम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, आप वर्चुअली रैम अपनी मैनुअली बढ़ा सकते हैं, एंड जिससे आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पीड में आप देखेंगे कि बहुत फर्क आएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके जरूर काम आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे लिखें या मुझे मेल करें। थैंक यू फ्रेंड्स।